Hello, Assalamualaikum, dear friends. Hope you will be fine with good health. उम्मीद है आप खैर से होंगे। अब आज इस वीडियो में जो कि प्रोकाइनेटिक गैस्ट्रोकाइनेटिक ड्रग्स के ऊपर मुश्तमिल है, इसके बारे में बात होगी। और आगे जो है, आई एम डॉक्टर अब्दुल मालिक, पीएचडी फार्माकोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ फार्मेसी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा। प्लीज़ यू कैन गेट दिस वीडियो फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल मालिक ऑफिशियल। प्लीज़ सब्सक्राइब my channel for more updates and watch this video to the end. You can understand everything about prokinetic. Prokinetic जो है basically ये एक ऐसी activity होती है, drugs होती हैं जो कि हमारी mortality of the GIT को increase करती हैं, क्योंकि उसमें mortality कम हो जाती है, constipation हो जाता है, multiple diseases हैं like ulcerative colitis है, irritable bowel syndrome है, nausea and vomiting है, कुछ ऐसी diseases हैं जिनमें prokinetic की ज़रूरत होती है। ख़ासतौर पर खास देखा जाए diabetic gastroparesis, यानी डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। तो फिर क्या करें हम, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन काज करती हैं, तो उनको इंक्रीज़ करने के लिए प्रोकाइनेटिक ड्रग्स देते हैं लाइक मोटिलियम, मल्टीपल अदर ड्रग्स आर अवेलेबल। तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी प्रोकाइनेटिक एजेंट्स की, वट आर दीज, ये क्या हैं, क्या काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं। लिहाजा ड्रग्स विच इन्हांसेस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटेलिटी जो है वो बढ़ा देते हों बाई इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी आर स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रेक्शन को बढ़ा देते हैं, मोटेलिटी को बढ़ा देते हैं। इतने भी ना बढ़ाएं कि वो डायरिया हो जाए, यानी इतने बढ़ाते हैं कि बिल्कुल अगर कम हो, स्लो हो, तो उसको मोटिवेट करके मोटेलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, उसकी यानी मुख्तलिफ रिसेप्टर्स पे अफेक्ट करके उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। लेकिन हमारे पास नेचुरल भी हमारे पास हैं, जैसे इसबगोल का छिलका है, इसका गोल हस्क है, वो हम ले सकते हैं, साइलम हस्क। तो इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, मसलन हमारे नेचुरल फ्रूट्स हैं लाइक एप्पल है, गुआवा है, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं ये भी स्टिमुलेट करते हैं हमारी एक्टिविटी को और प्रोकाइनेटिक का इफेक्ट करते हैं। तो लिहाजा अब हम बात करेंगे ड्रग्स विच इन्हांसेस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटेलिटी बाई इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी आर स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रेक्शन बट विदाउट डिस्टरप्टिंग देयर रिदम, को चेंज नहीं करते, रिदमिसिटी को चेंज नहीं करते जो उनकी जो हो रही है, तो उनको हम गैस्ट्रोकाइनेटिक्स कहते हैं या प्रोकाइनेटिक्स कहते हैं। दैट कंट्रोल एसिड रिफ्लेक्स को भी कुछ कंट्रोल करती हैं, क्योंकि एसिड भी वहाँ जमा होता जाता है, एक जगह पे अल्सर होने के भी चांसेस होते हैं, उस रिफ्लेक्स को भी रिमूव करते हैं ताकि वो मोर्टेलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, हमारी ड्रग भी आगे मूव कर सकेगी, हमारा खाना भी आगे मूव कर सकेगा और टाइम पर अपना काम कर सकेंगे और हमारी अब्जॉर्प्शन भी टाइम पर होगी और इसमें एसिडिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। विच स्ट्रेंथन लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर एंड कॉज कंटेंट ऑफ स्टमक टू एम्प्टी फास्टर, और ये कंटेंट ऑफ स्टमक को एम्प्टी कर देते हैं फास्टर, क्योंकि उसमें मोटेलिटी जीआईटी के स्टमक की बिल्कुल कम हो जाती है। दिस अलाउज लेस टाइम फॉर एसिड रिफ्लक्स टू अकर, इसलिए एसिड रिफ्लक्स जो है GERD, खासतौर पर आपने नाम सुना होगा, गैस्ट्रो एसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज है, वो कम से कम होता है। प्रोमोट इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं, प्रोमोट एम्प्टींग ऑफ स्टमक कंटेंट, स्टमक कंटेंट को जल्दी फारिग करना, एक जगह से निकाल देना, यानी एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक, जैसे हमारा स्टमक एक नेचुरल वे में एक अडल्ट में होता है, एक नॉर्मल अडल्ट में होता है, उस तरह का ये प्रमोट करते हैं। इसके बाद इंक्रीज वेव लाइक कंट्रैक्शन इन द एसोफेजियस, एसोफेगस में जो वेव लाइक कंट्रैक्शन होती हैं वो भी प्रेस्टेलेटिक मूवमेंट होती है, उसको भी इंक्रीज़ करती हैं ताकि वहाँ पे GERD भी डिवेलप ना हो और एसिड भी ऊपर की तरफ, मुँह की तरफ या स्टॉमिक की तरफ ना आए। इंक्रीज कंट्रेक्शन इन द स्टोमिक, और इंक्रीज कंट्रेक्शन स्टोमिक भी कंट्रेक्शन भी करते हैं, GIT स्मॉल इंटेस्टीन की भी करते हैं। अब देखते हैं इसके थेरापेटिक यूजेस क्या हैं। थेरापेटिक यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन कि एक तो ट्रीट सर्टन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अबडोमिनल डिस्कम्फर्ट है, ब्लाउटिंग है, जो बार बार ब्लाउटिंग होती रहती है, बार बार जो है ना टकार से आते रहते हैं ख़ास तौर पे खट्टे। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन है, इसमें कॉन्स्टिपेशन आपको पता है कि जिसमें मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाती है, इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो डायरिया होता है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बाद ना। हार्ट बर्न है, अगर हो जाता है तो एसिडिटी ज़्यादा ऊपर आ जाती है तो हार्ट बर्न महसूस होता है, उसमें भी एसिडिटी का इशू होता है। नौजिया है एंड वोमिटिंग है, नाजी और वोमिटिंग हो सकती है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स हैं, इसको ट्रीट करने के लिए भी ये यूज़ होते हैं। नंबर टू, सर्टेन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हैं, कुछ GIT के डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, गैस्ट्राइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक GIT, और गैस्ट्रोपेरिसिस है, एक डिजीज़ है जिसमें एक्टिविटी जो है मोटेलिटी कम हो जाती है,
और ये डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस इसे कहते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ ज़्यादा काज करती है गैस्ट्रोपेरिसिस। इसके अलावा फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है कि फंक्शनल तौर पे डिस्पेप्सिया हो जाता है, सही पेप्सिन जो है रिलीज़ नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा खाना सही अब्जॉर्ब नहीं होता, सही हाजमा नहीं होता, तो उसको ख़त्म करने के लिए प्रोकाइनेटिक ड्रग्स आर गिवन। अब हम बात करते हैं कीमोथेरापी इंड्यूस्ड नाजियन वोमिटिंग। कोई ऐसे भी कीमोथेरापी इंड्यूस्ड नाजियन वोमिटिंग होते हैं जिसमें हम कीमोथेरापी जब ड्रग देते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट करने के लिए, जब ड्रग देते हैं उसकी ट्रीटमेंट को कवर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन अगर वो काज करते हैं या नाजियन वोमिटिंग काज करते हैं, समटाइम एंटी एमेटिक्स ड्रग्स जो हम देते हैं इसमें बेसिकली, लेकिन समटाइम्स वी कैन ऐड प्रोकाइनेटिक ड्रग्स इसमें भी की जा सकती है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज GERD, मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो रिफ्लेक्स डिजीज़ है ऊपर की तरफ आने की, स्टामिक से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, एसोफिगस की तरफ आने की कोशिश करता है, जो ये एसिड है जो इंटेस्टिनल या स्टामिक एसिड है उसको भी कम करते हैं, क्योंकि फ्लो बढ़ा देंगी, एक्टिविटी जो है प्रस्टैलिटिक मूवमेंट बढ़ा देगी, कंट्रेक्शन बढ़ा देगी, तो आगे तरफ मूव करेगा, नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा, वर्क में आ जाएगा। डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस डाइजेशन कंडीशन कॉज बाई डायबिटीज। डायबिटिक पेशेंट में ये देखा गया है कि डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस हो जाता है, उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, मोटेलिटी स्टॉमिक की, इंटेस्टाइन की, और कॉन्स्टिपेशन उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसमोटेलिटी, अगर मसल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बिकम इम्पेयर्ड, अगर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसमोटेलिटी हो जाती है, मोटेलिटी सही नहीं हो रही, मोटाइलिन जो एक हारमोन है वो अगर सही काम नहीं कर रहा, सिक्रीटिन हारमोन सिक्रीशन सही नहीं कर रहा, वे एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ गया, एक डिसफंक्शन हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स को। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, अगर बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन है ड्यू टू अननोन काजेज, उन पेशेंट में भी दिए जा सकते हैं, जैसे मोटिलियम को कहते हैं जी, डायबिटिक पेशेंट में, हाइपरटेंशन वाले हैं या कोई भी हैं, तो उनको साथ साथ दे देते हैं एंटीसाइकोटिक्स, या डिप्रेशन वाले पेशेंट है जिनको ड्रग्स जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन काज करती हैं, उन पेशेंट में मोटिलियम या कुछ ड्रग दे देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये खाएँ और उनकी मोटेलिटी मेनटेन रहे। इसके बाद प्रोकाइनेटिक ड्रग्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, कुछ इसमें से ऑब्सोलीट भी हो गई हैं, कुछ रिमूव भी हो गई हैं मार्केट में, लेकिन कुछ नई बन भी रही हैं, मैं आपको बताता हूँ। बेंजामाइड है, सीसाप्राइड है, डोमपेरिडोन है, इटोप्राइड है, मोज़ाप्राइड है, मोसाप्राइड, मेटोक्लोप्रामाइड, प्रोकैलोप्राइड है, ये बहुत इफेक्टिव है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी दी जाती है, देखते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास रिंजाप्राइड है, टैगासिरोड है, मेटमसिनल है, लिवोसल्प्राइड है, ये एक्टिविटी इसमें भी करती है, सीप्राइड में अवेलेबल है, सेनिटाप्राइड है, लेनकलोटाइड है, और कुछ जो है कॉम्बिनेशन देखा गया है बाइफाइडोबैक्टीरियम बाइफेडियम इन कॉम्बिनेशन विद लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस, इसमें देखा गया है कि ये भी जो है एक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, प्रोकाइनेटिक एक्टिविटी रखता है इनकी कॉम्बिनेशन। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकाइनेटिक्स प्रोबायोटिक्स हैं ये भी इफेक्टिव हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे इरेथ्रोमाइसिन अजिथ्रोमाइसिन ये भी दी जा सकते हैं, उनके डेरिवेटिव भी नए बनाए जा रहे हैं जो मोटेलियन मैंने अब मोटेलियन हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करते हैं, इरेथ्रोमाइसिन अजिथ्रोमाइसिन ये भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि साइड इफेक्ट उनमें सुपर इन्फेक्शन के चांसेज होते हैं तो उसको कम से कम यूज़ करना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि कौन कौन से ये देते हैं, ज़्यादातर आपको मैं बता चुका हूँ कि कुछ जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर प्रोकाइनेटिक एसिटाइल कोलिन को जो है वो एक्साइटेटरी स्टिमुलेंट हैं, एसिटाइल कोलिन के ऊपर स्टिमुलेंट है, खासतौर पे हार्ट बर्न के लिए, गैस्ट्रोपेरिसिस के लिए इनको दिया जाता है। काजेज पार्शल पैरालिसिस इन यूर स्टोमिक, क्योंकि पार्शल पैरालिसिस ये करता है गैस्ट्रोपेरिसिस, इसका मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, काजेज पार्शल पैरालिसिस इन यूर पैरालिसिस करेगा स्टोमिक के अंदर, बिल्कुल रोक देगा, एक्टिविटी नहीं होगी, रुक जाएगी, यानी वही कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होगी, तो फौरी तौर पे इसका इलाज करना चाहिए। और बेथेनिकोल ड्रग है, नियोस्टिग्मीन है, प्रीडियोस्टिग्मीन जो है वो प्रोकाइनेटिक ड्रग के तौर पे एसिटाइलकोलीन एगोनिस्ट जो है वो दी जा सकती है, और ये स्टोमिक की इंटेस्टाइन की मोटेलिटी को बढ़ाती है, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो मोटेलिटी को इंक्रीज करते हैं, उनमें ये ड्रग्स बेथेनिकोल और नियोस्टिग्मीन और प्रीडियोस्टिग्मीन जो है वो दी जा सकती है। सप्रेसिंग जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, खासतौर पर जिनको इनहिबिट किया जाता है, डोपामीन है, मेटोक्लोप्रामाइड दी जाती है फॉर गैस्ट्रोपेरिसिस एंड हार्ट बर्न, दो यूजेस हैं इसके, मेटोक्लोप्रामाइड जो है एंड सीरोटोनिन, जिसमें मेटोक्लोप्रामाइड और सीरोटोनिन भी शामिल है, सीसाप्राइड ये सीरोटोनिन के डेरिवेटिव हैं, ये मेटोक्लोप्रामाइड डोपामीन के डेरिवेटिव है, और यहाँ पे सीरोटोनिन के डेरिवेटिव्स जो हैं ड्रग्स सीसाप्राइड,
टैगासिरोड हैव मेजर कार्डिक साइड इफेक्ट, इसलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाते, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। वाइल प्रो कैलोपराइड फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड IBS, इन्फ्लेमेटरी बाउल या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में दिया जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कॉन्स्टिपेशन वीमेन है या पेशेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को एक्टिविटी को ये कम करता है, क्योंकि हमने दो IBS-C होता है, IBS-D होता है, डायरिया होता है, एक IBS-C होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उनमें प्रोकैलोप्राइड जो है वो दी जा सकती है। मैक्रोलाइड डेरिवेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल इरिथ्रोमाइसिन एंड अजिथ्रोमाइसिन हैव मोर्टेलिटी इफेक्ट। इसकी भी मोर्टेलिन के ऊपर एक हार्मोन है जो GIT में, स्टमक में, इंटेस्टिन में पाया जाता है, उनको स्टिमुलेट करते हैं, जैसे मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इनको यूज़ करने से साफ ज़ाहिर है कि एंटी बैक्टीरियल भी हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, तो लिहाजा उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, सुपर इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। दीज स्टिमुलेट स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द स्मूथ मसल ऑफ द GIT, दस प्रोमोटिंग स्मूथ मसल कंट्रेक्शन। ये सारे जो है मसल कंट्रेक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, देखें प्रोमोटिंग मसल कंट्रेक्शन, क्योंकि स्मूथ मसल है ये, स्मॉल इंटेस्टीन, स्टॉमिक, स्मूथ मसल हैं, उनको ये स्टिमुलेट करते हैं। उसमें मस्कुलरिस लेयर होती है जिसमें मसल की पावर होती है, वो मोर्टेलिटी को बढ़ाती है, प्रेस्टेलिटिक मूवमेंट को बढ़ाती है, कंट्रेक्शन को बढ़ाती है और आगे मूवमेंट में हेल्प करती है। इसके बाद हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर पे अफेक्ट करते हैं, मैकेनिज्म इनका क्या है और उनकी डोज कॉमनली कौन सी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल सीसाप्राइड की बात की जाए, 5-hydroxytryptamine-4 यानी सीरोटोनिन का दूसरा नाम है, 5-hydroxytryptamine भी कह सकते हैं या सीरोटोनिन हम इसे कहते हैं, रिसेप्टर एगोनिस्ट है, और 10-20 TID 3 times a day दी जा सकती है प्रोकैनेटिक इफेक्ट के लिए। डोमपेरिडोन है, डोपामीन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये ब्रेन में उसको इनिबिट करती है, और 10-30 QID 4 times जो दिन में दी जा सकती है। मेटोक्लोप्रामाइड 5-hydroxytryptamine-4 एगोनिस्ट भी है और D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी है, दोनों इफेक्ट हैं इन दोनों ड्रग्स के। मेटोक्लोप्रामाइड में 10 QID 3-4 times a day और इसकी ओरल डोज है 10। इसके बाद एरिथ्रोमाइसिन मोर्टेलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, मोर्टेलिन जो रिसेप्टर है मैंने हार्मोन बताया था उसको ये स्टिमुलेट करते हैं, 250-500 TID 3 times a day जो है इनको देते हैं और ये मोर्टेलिटी को भी बढ़ा सकती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, उससे अवॉइड करने के लिए इन ड्रग्स को नहीं देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन सी जो यहाँ पर ट्रेड नेम अवेलेबल हैं। आइटोप्राइड है 50 mg में अवेलेबल है, आइटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड 50 mg, गैस्ट्रोकाइनेटिक एजेंट 30 tablets, ये पूरी डब्बी ली जा सकती है, इनमें टैबलेट्स हैं। इसके बाद जेल नॉर्म नॉर्म करने वाला, नॉर्मल लेवल में लाने वाला, यानी हमारी जो एक्टिविटी है GIT की, और टैगासिरोड मेलिएट टैबलेट्स, और ये भी इस बेस पर टैबलेट 2 mg है इसमें होती है, और 60 tablets आर अवेलेबल इन दिस पैक, और ये भी मोर्टेलिटी इंक्रीज करने के लिए दी जा सकती है। प्रोकैलोप्राइड है, फॉर एग्जांपल प्रोकैलोप्राइड 2 mg टैबलेट्स, और ये मोटी ग्रेटी के नाम से है, मल्टीपल ट्रेड नेम में मैंने किसी भी को यहाँ पे उठा के लिखे हैं, स्पेशली मैंने नहीं कहा कि ये ड्रग्स यूज़ करें, मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये ड्रग्स अवेलेबल हैं इस फार्मूलेशन में, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे प्रोपल्सिड प्रोपल्सिव मूवमेंट होती है ना, जैसे हम GIT की प्रोपल्शन होती है, कंट्रेक्शन मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, उससे निकाल रही है लव्स प्रोपल्सिड। तो ये सीसाप्राइड है, टैबलेट 20 mg है, सीसाप्राइड एज दी मोनोहाइड्रेट इक्विवेलेंट 20 mg ऑफ सीसाप्राइड, जेनसन फार्मास्यूटिका ये बना रहे हैं, और इनकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली देख के उन पेशेंट में आप दे सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड कौन कौन सी कंडीशन में इनको थेरापेटिक यूज में किया करना है। बहुत सारी इनकी डिटेल्स हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, कुछ और जो GIT प्रॉब्लम्स हैं उनमें दी जा सकती हैं, और इसमें साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोकैनेटिक एजेंट्स जो बेसिकली मैं देख पहले बता चुका हूँ, कुछ कार्डिक इश्यूज हैं, बहुत सारे कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर पर मेटोक्लोप्रामाइड है, कुछ अदर सीसाप्राइड है उनमें, और इसके अलावा हेडेक, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, डिजीनेस, वोमिटिंग, फटीग, डायरिया भी क्योंकि काज कर सकती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए तो ये दे रहे हैं ना, बेसिकली कॉन्स्टिपेशन तो ये काज नहीं करेंगी, लेकिन ये डायरिया काज कर सकती है अगर ज़्यादा डोज इसकी चली जाए। इसके बाद फटीग हो सकती है, मिग्रेन हो सकता है, क्योंकि ये डोपामिन रिसेप्टर पे अफेक्ट कर रही हैं तो ब्रेन को ये स्टिमुलेट कर सकते हैं मिग्रेन के लिए। डिक्रीज एपिटाइट हो सकती है क्योंकि सीरोटोनिन रिसेप्टर पे और डोपामिन पे अफेक्ट कर रही हैं, मिग्रेन के जो चांसेस हैं वो हो सकते हैं, दोबारा यहाँ पे लिखा गया है। नाजिया, रेस्टलेसनेस हो सकती है, सिडेशन हो सकती है, नींद भी कर सकते हैं कुछ, इसके अलावा इम्प्यूटेंस हो सकती है, मेल या फीमेल में जो सेक्सुअल पावर है, एक्टिविटी वो कम हो सकती है, और कार्डिक इशूज़ हैं।
ये चंद एक चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, लेकिन प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। फर्दर इफ़ यू नीड एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, पोरोकाइनेटिक और गैस्ट्रोकाइनेटिक एजेंट्स और ड्रग्स, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई शैल आंसर इंशाल्लाह। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द अदर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।